तो जो फूलदेई है ये चैत्र महीने के बिल्कुल शुरुआत में मनाया जाता है। अरे हाँ चेयर्स बोलो, चेयर्स चेयर्स। तीनों करेंगे, तीनों करेंगे, तीनों करेंगे, तीनों करेंगे। चेयर्स चेयर्स। थोड़ा पास तो और दिखे दिखे नहीं होंगे। चेयर्स चेयर्स चेयर्स। क्यों करते हैं पता है? क्यों करते हैं? कि आज हम सब बैठे हैं साथ में, इसलिए हाँ खुशी से बैठे हैं। बैठते तो सभी हैं, चेयर्स इसलिए करते हैं कि हमारी आपस में कभी लड़ाइयाँ ना हो। और आज सुबह सुबह एक कोल्ड वॉर हुई है हमारे यहाँ दिन में, बहुत भयंकर कि सब जगह सुनाई दिया होगा। हाँ, और सारे मोहल्ले में पता चला होगा कि आज हमारे बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। ये किसने करी है? एक इंसान ने जो पीछे बैठा है। इस कोल्ड वॉर को एंड करने के लिए एक आइसक्रीम लाई गई है, तीनों के तीनों बैठे इसमें और चुपचाप खोली आइसक्रीम और खा लिया। बट टेस्टी। और ये वाली ला रही है हमें अमूल की कुल्फी, बहुत टेस्टी है, आप लोग भी ट्राई करना कभी। लड़ाई के बाद कुछ मीठा हो जाए तो अच्छा लगता है। तो भी डिनर करने के बाद मैंने आज एक पेस्ट लगाया, मम्मी ने दिया मेरे को, ये बेसन और दही का पेस्ट। पता नहीं, कह रही थी कि आजकल चेहरा बड़ा डल डल हो गया है। एक बार कमेंट करके बताना जरूर कि अभी जो आपने पहले देखा और अब फर्क लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया है इन चीजों को। तो अगर फर्क लग रहा होगा तो फिर और ज्यादा करूंगा, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, इधर उधर घूमना है, ब्लॉग बनाने हैं, तो चेहरा और डल ना हो जाए। तो इसलिए एक बार बताना कि डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और कल मैं वापस सिद्धारगंज जा रहा हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ी पैकिंग करता हूँ और उसके बाद सो जाऊंगा, फिर सुबह जल्दी निकलना है। और कल तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, फिर उसके बाद 4-5 दिन वहां रुक के छोटी होली में वापस आ जाऊंगा। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अभी फटाफट रेडी हो गया था मैं, ये मेरा नाश्ता और यहाँ मम्मी ने अपने जो सामान देना है वो पैक कर दिया। और अंगूर से वैसे चलते चलते मत खाना। तो कल जो छोटा सा कोल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से कल मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि सब शांत हो रखे थे घर पे। रात को जब मम्मी वो आइसक्रीम लाई थी तभी थोड़ा बहुत बातचीत हुई थी, वरना कोई भी व्लॉग नहीं बना था कल। तो यही रीजन है कोल्ड वॉर का कि आज व्लॉग नहीं आया है। हमें कभी कभी होता है ऐसा, वंस इन अ ब्लू मून हो जाता है कि घर में ऐसी कोल्ड वॉर जाती है ना, तो उसको समझना भी तो चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। और एक चीज और है, कल मैं एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, अपने मैसेज आ रखा था कि भाई आपसे मिलना है गुरुद्वार में, मेरे को आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं गुरुद्वार आना चाहता हूँ मिलने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो अभी कहीं जा रहा हूँ, सिद्धारगंज जा रहा हूँ, तो इसलिए जब वहां से वापस आ जाऊंगा तब मिलेंगे। तो कह रहे कि कहाँ जा रहे हो? मतलब सिद्धारगंज। अच्छा, वहाँ क्या काम है? तो मतलब तो वैसे तो वो बोल रहे थे कि वीडियो देखते हैं, या फिर बाद में ये भी कि कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। तो इसलिए शायद बहुत लोग भूल चुके हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ सिद्धारगंज जो हल्द्वानी के पास है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो देखने जाना पड़ता है। तो इसलिए अप डाउन करना पड़ता है कि मतलब 2-3 दिन वहां रहना पड़ता है, फिर 4-5 दिन यहाँ, तो ऐसे ऐसे करता रहता हूँ मैं। तो इसलिए मेरे को सिद्धारगंज जाना पड़ता है। और इससे डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने जब मैं सिद्धारगंज फर्स्ट टाइम गया था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ रही होगी, वो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों जा रहा हूँ मैं सिद्धारगंज। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट उसमें बता रखा है। चल जल्दी कर, देर हो गई। चलो फिर बाय। सारा सामान रख दिया है, मेन मेरा सामान होता है सारे कैमरा रख दूं, लैपटॉप रख दूं, बाकी कपड़े वपड़े छूट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दिन दोपहर में गर्म पानी ले जाऊंगा। कल से फर्क लग रहा है मेरे चेहरे पे? आपको क्या लग रहा है? लग रहा है बेसन और दही का जो पेस्ट जाता है उससे लगा के रखा है? हाँ, एक घंटा लगा के रखा, पता नहीं सारा तो वहीं पड़ा हुआ था। अरे तो मैंने इतना सारा दे रखा था, इतना सारा यूज कर लेता, थपोड़ थपोड़ के सारा ऐसे लगा देता उसे, लगाया था। आपको फर्क लग रहा है? करूं उसको फिर से? एक एक जरा सी इतनी सी बूंद बिना धोए भी तो कैसे साफ हो गया। चलो ठीक है फिर, चल हर हर महादेव, जय सिद्ध बाबा की, जय सिद्ध बाबा की। ढंग से रहना, लड़ाई मत करना, आप कैसे लड़ाई मत करना। चल अच्छे से जाना, आप बता देना, हाँ फोन कर देना, मैसेज दूंगी। ओके ओके, चल होली पे आता हूँ। ठीक है, अभी भी देख रही है मम्मी, जब तक मुड़ूंगा नहीं तब तक जाएंगी नहीं मम्मी लग रहा। तो पहुंच चुका हूं मैं अपनी साइड पे, यात्रा बढ़िया रही है अपनी। बस एक जगह रुका था मैं एक नंबर करने के लिए, बाकी कहीं नहीं रुका मैं। और हाईवे पे गाड़ी चलाने में ना 2-3 चीज है जिनमें डर लगता है। सबसे पहले तो ये हाईवे पे जो रॉन्ग साइड आ जाते हैं उनसे डर लगता है, और दूसरी चीज ये जो ओवरलोड कर देते हैं ना ये ट्रक, जिनमें ईंटे रखी रहती है या फिर बजरी रखी रहती है, और सबसे ज्यादा जिनमें सरिये और वो पाइप रखी रहती है उनसे बड़ा डर लगता है। वो दिखती तो है नहीं, जैसे हम पास आते हैं तब पता चलता है कि अरे ये सब चीजें रखी है उसमें। तो फिलहाल कमर सीधी कर लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या काम हो रहा है। अब टोपी लगाने का भी समय आ चुका है, इस धूप में बिना टोपी के बिल्कुल काम नहीं चलेगा।
अब थोड़ा मम्मी ने खाने के लिए भिजवाया था, उसको भी खा लेता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि शाम को खाऊंगा उसको, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के अंदर रह के वो तब जाएगा पूरा का पूरा और कहीं खराब ना हो जाए, तो इसलिए फटाफट खा लेता हूँ उसको। पानी यहाँ से भरते हो? घर में भी तो होगा तुम्हारे? ये तो अंजन के लिए है। अच्छा, अंजन के लिए। ये रखा मेरा डब्बा मटर पनीर की सब्जी और यहाँ पे इतने सारे पराठे। और आज मेरे को ना वो वाली फीलिंग आ रही है, वो जैसे साइट में एक इंजीनियर काम करता है ना, जब बस ऐसे ही गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, अपने टीन वाले ऑफिस में बैठ रहा था और वहाँ पे ऐसी खाना लाता है अपने टिफिन में और फिर खाना खाता रहता है। तो बिल्कुल मुझे वही बैंगलोर वाली याद आ गई आज अपनी, वहाँ पे भी ऐसी खाता था मैं। क्या बात है, नॉस्टैल्जिक। फाइनली रूम पे पहुंच चुका हूँ मैं, सामान निकालते हैं फटाफट, फिर थोड़ा सा जरा दूध पियेंगे। दूध ला रखा हूँ मैं अभी। अभी घर पे एंट्री ली भी नहीं मैंने और इतनी मोटी मोटी छिपकली दिख गई मेरे को, एक ही और एक दूसरी कहीं और है, पता नहीं कहाँ गई वो, डरा दिया इसने। हाँ, अब दो भगाई थी मैंने, एक और आ गई। यार मैं रह नहीं पाऊंगा इस कमरे में। तो अभी साइड से आने के बाद मैं सो गया था और अब दूध गर्म करता हूँ। मम्मी ने फैन भी दिए थे मेरे को। कहाँ गए फैन? ये देखो गाड़ी में छूट गया था ये फैन, ड्रोन भी ले आ लो अपने साथ। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। रात को दूध पीने के बाद एकदम सो गया था मैं और एडिटिंग भी नहीं करी थी, अभी सुबह उठ के पूरी कंप्लीट करी है एडिटिंग। और कल मैंने सोचा था आप सबको विश करूंगा फुल दही, जो हमारे उत्तराखंड का त्योहार है, पर मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि घर में रहता था तो याद रहता, पर यहाँ था अकेला तो पता नहीं चला। तो जो फूल दही है ये चैत्र महीने के बिल्कुल शुरुआत में मनाया जाता है और ये जो चैत्र महीना है ये मार्च के बिल्कुल मिड में आता है और कई जगहों पे तो ये मतलब पूरा महीने ही बनाया जाता है। तो इसलिए अभी मैं जब भी घर जाऊंगा तो फूल दही जरूर मनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मनाते हैं। और जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं ज्यादातर तो वही जो सेरेमनी होती है इसकी फूल दही की वही करती हैं, और बाकी कुमावनी और गढ़वाली बनाते हैं सबसे ज्यादा ये फेस्टिवल। और मेरे माइंड में आया कि मैं एक Q&A करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में और इंस्टाग्राम में पोस्ट डालूंगा मैं, तो वहां पे आप मुझे कमेंट करना, तो वहां से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर अपने यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा और कल आपको प्रेजेंट करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, तो वहां से आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जा सकते हो। और वैसे मेरा इंस्टा हैंडल है @thesuyeshaswal, तो आप सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल अब इस व्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दिया सब्सक्राइब का उसे दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार का सदस्य बन जाना। और अगर व्लॉग बन भी अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में और फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।